हे माय लवली फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया, आप सभी का स्वागत है डालियाज रेसिपी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ सीजनल एक फ्रूट की आइसक्रीम की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ पके हुए आम से आप बहुत ही टेस्टी सा एक आइसक्रीम घर पे कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखते रहना। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का ठंडा सा जो है बर्तन लिया है और यहाँ पे मैं एक कप जितना व्हिप्ड पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे 1/3 कप ठंडा दूध। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ठंडी ठंडी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको बहुत अच्छे से 5 मिनट जितना ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करने के बाद आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कर रही हूँ 1/3 कप जितना। तो दूध और कंडेंस मिल्क जो है एक ही क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे लिया है। और अभी मैं डालूंगी पके हुए आम के पल्प को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मैंगो आइसक्रीम है तो ये डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं फिर से इसको जो है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मैं लगभग यहाँ पे 10 मिनट जितना इसको मिक्स किया है। और अगर आपके पास ये ना हो, मतलब ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो, तो आप हैंड व्हिस्क के मदद से भी कर सकते हो। तो थिकनेस तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कि किस तरीके का होगा। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक साइड पर करके दूसरे साइड पर आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पर मैंगो को जो है थोड़ा सा कट कर रही हूँ छोटे छोटे हिस्सों में। और ये जो है मैं इसको डालूंगी जो आइसक्रीम का मैं जो मिक्स करके रखी थी इसमें, ताकि आप जब इसको खाओगे तो बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। तो ये बहुत अच्छे से सेट होने के बाद मैं अभी जो है प्लास्टिक का छोटे सा जो ग्लास मिलता है उसमें मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसी में आइसक्रीम को मैं सेट करूँगी। तो आपके पास जो भी है आप उसी से कर सकते हो। तो मैं इसी से मैं करूँगी ताकि जो है दिखने में भी अच्छा लगेगा और सभी को देने में भी बहुत आसानी होगी। तो अभी मैं इसको रख दूँगी लगभग ओवरनाइट, या फिर आप 7-8 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हो फ्रीजर में। तो मैंने यहाँ पे जो है आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं अभी आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके का बना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप अपने घर पे एक बार तो इसको ज़रूर बना के दिखाइए और कैसा हुआ इसका टेस्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा, मिलती हूँ मैं आप सबके साथ नेक्स्ट रेसिपी में।